रविवार को आए विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी प्रकाश उइके को 1018 वोटों के अंतर से हरा दिया। नीलेश उइके को कुल 90,231 वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रकाश उइके को 80,213 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस ने पांडुना विधानसभा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर जीत की हैट्रिक बनाई है। इस जीत के बावजूद कमलनाथ के गढ़ में पांडुना के कांग्रेसी जीत का जश्न नहीं मना पाए। प्रदेश में हुई कांग्रेस की हार के कारण कांग्रेसियों के चेहरे से मुस्कान गायब थी। कांग्रेस कार्यालय में इस हार को लेकर पदाधिकारी चिंतन करते हुए नजर आए। हालांकि मैदानी कार्यकर्ताओं ने तीन शेर चौक पर पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। जी बीकानेर स्वीट की ओर से पांडुर्ना जिला वासियों को दीपावली की ढेर सारी बधाई। तीन स्थानों पर सेवा देने वाली पहली संस्था जो आज बन चुका है विश्वास का एक नाम। इस दिवाली पर खरीदे स्वादिष्ट दिवाली स्पेशल मिठाई गिफ्ट बॉक्स, ड्राई फ्रूट सेलिब्रेशन गिफ्ट हैम्पर, ड्राई फ्रूट मिठाई सेलिब्रेशन, स्पेशल बंगाली मिठाइयाँ, नमकीन केक और कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ रसमलाई, रबड़ी, श्रीखंड, पनीर और डेली नीड्स के ऑल आइटम। हमारी संस्थाएं पुरोहित जी बीकानेर छत्रपति चौक, पुरोहित बीकानेर मिठाई महल पंचशील चौक, पुरोहित बीकानेर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड पांडुर्ना।